हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके के साथ आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। आप आईपीओ में सक्सेसफुली अप्लाई कर सकें, अप्लाई करते समय आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीओ में आवेदन करने के लिए ये वीडियो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप अपने रिस्क पर ही आवेदन करें, और आईपीओ में आवेदन करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, इसलिए किसी से भी उधार लेकर या फिर किसी से भी लोन लेकर आईपीओ के लिए अप्लाई ना करें। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। आईपीओ में अप्लाई हम ग्रो के द्वारा करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और गूगल पर सर्च करना है ग्रो। अब यहाँ सबसे ऊपर ही grow.in की वेबसाइट का लिंक शो होगा, इस पर क्लिक कर हमें यहाँ से इसे ओपन करना होगा। आपको बता दें कि आप गूगल प्ले स्टोर से ग्रो एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर मोबाइल फोन के द्वारा भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ग्रो के अंदर लॉगिन करना होगा। इसके लिए ऊपर लॉगिन रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। आपको बता दें कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और ग्रो के अंदर रजिस्टर कैसे करते हैं, इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। अब ग्रो में लॉगिन करने के लिए यहाँ अपना ईमेल आईडी डालकर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ आपसे आपका लॉगिन पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप यहाँ एंटर पासवर्ड की जगह पर अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर कर दें। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पर क्लिक कर नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपसे आपका ग्रो का लॉगिन पिन एंटर करने को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से अपना ग्रो का पिन एंटर कर दीजिए। यदि आप पिन भूल गए हैं तो आप नीचे फॉरगेट पर क्लिक कर नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। पिन एंटर करते ही आप सक्सेसफुली ग्रो के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप ग्रो के होम पेज पर आएंगे, तो थोड़ा सा स्क्रोल डाउन कर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आईपीओ का। अब जितने भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ओपन होंगे वो आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। जिस तरीके से अभी यहाँ पर 3 आईपीओ ओपन है, यानी कि यदि हम चाहें तो इन तीनों आईपीओ के अंदर अभी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों आईपीओ की यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आईपीओ के क्लोज होने की डेट है 30 जून 2023 4:50, और यदि आप इस आईपीओ के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 4 जुलाई 4:50 तक का समय है। तो चलिए हम सबसे पहले वाले आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई कर दिखाते हैं। इसके लिए यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब आप इस आईपीओ की पूरी डिटेल यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंपनी का स्टेटस क्या है, यानी कि आईपीओ में आवेदन करने से पहले आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, ताकि आईपीओ जब भी आपको अलॉट हो तो उसके अंदर आपको नुकसान उठाना ना पड़े। इस कंपनी का नाम है आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी ड्रोन बनाने का काम करती है, और इस कंपनी का आईपीओ खरीदने के लिए हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,036 रुपए करना होगा। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आईपीओ अप्लाई करते समय आपको एक लॉट खरीदना होता है। लॉट के अंदर जितने शेयर होते हैं उन शेयर का आपको प्राइस देना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि इस कंपनी का एक लॉट हम खरीदते हैं तो इसके अंदर हमें 22 शेयर मिलेंगे, और इसके पर शेयर की प्राइस रेंज है 638 रुपए से 672 रुपए। यानी कि आप चाहें तो 638 रुपए के हिसाब से 14,036 रुपए देकर भी यहाँ से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु आपको बता दें कि यदि आप इस प्राइस में आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट आपके लिए होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएं, तो आप यहां से 672 रुपए का जो कट ऑफ प्राइस है इसके सामने टिक लगाएं। इसके बाद आपको 672 रुपए के हिसाब से 22 शेयर का जो लॉट है इसके लिए 14,784 रुपए अपने अकाउंट के अंदर ब्लॉक कराने होंगे। आईपीओ का आवेदन करते समय आप ध्यान रखें कि आप जिस बैंक अकाउंट के द्वारा इस अमाउंट को ब्लॉक करा रहे हैं उस बैंक के अंदर अभी आवेदन करते समय पैसा इतना होना चाहिए। अब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ ऊपर आपको आपका यूपीआई आईडी एंटर करने को कहा जा रहा है, तो आप जिस बैंक अकाउंट के यूपीआई आईडी के द्वारा इस अमाउंट को ब्लॉक कराना चाहते हैं उस यूपीआई आईडी को यहाँ टाइप कर नीचे अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक करें। अब आपके द्वारा एंटर की गई यूपीआई आईडी की एप्लीकेशन के ऊपर आईपीओ की रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया जाएगा। आप नीचे विथ डिटेल्स पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी, विड अमाउंट और विड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब आप अपनी यूपीआई ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ से अमाउंट ब्लॉक करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट सेंड की गई होगी। उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ही यूपीआई पिन एंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुली के सामने टिक लग चुका है, और आईपीओ एप्लीकेशन अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल के ऊपर और आपके मोबाइल के ऊपर एसएमएस के द्वारा इस तरह से भेज दी जाएगी। नीचे आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जितना भी अमाउंट आपने अपने बैंक के अंदर अभी ब्लॉक कराया है, यदि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट हो जाती है तो ये आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट कट जाएगा, और यदि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका जो ये अमाउंट आपके बैंक के अंदर ब्लॉक किया गया है इसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप आईपीओ के लिए ऑनलाइन ग्रो के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।